22 जनवरी 2024 से 500 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा और शक्तिशाली दिन 22 जनवरी को बनेगा 10 ऐसे राज्यों का महासंयोग। 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत, 5 राशि वाले लोगों का बदल जाएगा भाग्य। जी हाँ मित्रों, कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियाँ जिनकी किस्मत 22 जनवरी यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही परिवर्तित होने जा रहा है, उनकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। मित्रों, इतिहास का सबसे बड़ा और विशेष दिन 500 सालों के बाद 22 जनवरी के दिन बहुत ही बड़ा और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है, जहां पर सबसे पहले तो 22 जनवरी वाले दिन अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग के साथ ही 10 ऐसे अद्भुत और महासंयोग बन रहे हैं, जिससे कई राशियों की किस्मत में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 22 जनवरी इतिहास का वो सबसे बड़ा दिन है जहाँ पर 500 सालों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जहाँ पर इसी दिन प्रभु श्री राम जी की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब आप सोच लीजिएगा कि इतिहास का ये कितना खास और अद्भुत दिन है, और साथ ही कई ग्रह और नक्षत्रों का आपस में मिलन बन रहा है, जिससे 22 जनवरी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है, जिसे कि लक्ष्यराज, अंकित, अरुणा, अखिलेश, लोकेश, लेखराज, लीलावती, लालाराम, चैन सिंह, चौथमल, इस तरह से ए एल या फिर सी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 22 जनवरी के बाद समय बहुत ही बड़ा और चमत्कारिक परिवर्तन वाला होगा। 22 जनवरी के बाद जैसे ही ग्रहों का महासंयोग बनेगा, मेष राशि वाले लोगों की किस्मत ही एकदम से चमक उठेगी। व्यापार या बिजनेस सभी जगह पर आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलेगा। लंबे समय से अगर आपके धन संबंधी आर्थिक रूप से कोई भी परेशानी चल रही है, मुसीबतें चल रही है, वो अब दूर होने वाली है। भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी जी की कृपा से मेष राशि वाले लोगों के लिए अब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो भी व्यक्ति स्वयं का काम करते हैं, पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करते हैं, तो इस पूरे साल भर 2024 में आपको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। उसके अलावा मेष राशि वाले, अगर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है तो उस कर्ज से भी आप हल्के हो पाओगे, कर्ज को भी चुका पाओगे। जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर भी कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। एक से ज्यादा माध्यम से आप धन प्राप्त कर पाएंगे। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज है, अटका हुआ कोई भी काम है ना, वो अब धीरे धीरे फिर से शुरू होगा। इसी साल उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। व्यापार में फंसा हुआ धन आपको वापस से हासिल होगा, और अगर आपने किसी को भी पुराना कर्ज दे रखा है और आप भूल चुके हैं ना, वह पैसा भी आपको वापस से मिलने वाला है। इस बार अचानक से धन का लाभ होगा, अचानक से धन प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। मेष राशि में पिछले 18 महीनों से राहु के प्रभाव के कारण गुरु चांडाल दोष चल रहा था, अब वो गुरु चांडाल दोष भी हट चुका है, और साथ ही एक साथ कई बड़े महायोग का संयोग बन रहा है, जिससे आप लोगों को अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। यह नया साल 2024 आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहेगा। जो भी कुंवारे हैं मेष राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसी साल 2024 में आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा, और साथ ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठेगी। अगर किसी का भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान है, तो आपको स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार आएगा। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे मन में प्रसन्नता होगी। मेष राशि वाले लोगों को
उपाय बताया गया है कि 22 जनवरी वाले दिन आप किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें और अपनी समस्याओं के बारे में बरगद के पेड़ को अवगत कराएं। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जल्द आपकी वो समस्या दूर होगी। चलिए जान लेते हैं मित्रों, 22 जनवरी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि पूरी उम्र भर वो मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। आज दिन तक जो भी सफल बिजनेसमैन बने हैं, जिन्होंने व्यापार में सफलता प्राप्त करी है, धन का लाभ लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। ज्योतिष के अनुसार ही कार्य करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करी है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? कुंडली के अनुसार नौकरी या व्यापार किस कार्य में आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, धन की बचत नहीं हो पाती, कमाते आप बहुत अच्छा है लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है जिसका आपको खुद को ही पता नहीं चल पाता, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या आप लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं 22 जनवरी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा गै छ के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कैलाश, कोमल, कुमकुम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 22 जनवरी के बाद समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अच्छा है। आपका जो जीवन है ना वो रोमांटिक तरीके से बीतेगा। आप अपने साथी के साथ कहीं पर भी बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं और साथ ही जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। मिथुन राशि वाले, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी में चेंजेस लेना चाहते हैं ना, तो 22 जनवरी के बाद समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ इस तरह से बन रही है कि जहाँ कहीं पर भी आप अप्लाई करेंगे ना, उसे में आपको सफलता मिलने का योग है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं 22 जनवरी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी 22 जनवरी के बाद से ही ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। आप जिस किसी काम को हाथ में लेंगे या जो कोई भी जिम्मेदारी आप उठाएंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और हर कार्य को पूरी तरीके से सफल बनाने में आप कामयाब बनेंगे। करियर के
संबंध में यात्रा पर जाने का भी संकेत मिल रहा है और कारोबार में अपनी जगह सुरक्षित करने में आप कामयाब बनेंगी। व्यापार या नौकरी दोनों ही जगह से आपको धन का लाभ होगा। सूर्यदेव की कृपा से आपका आत्मविश्वास यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफी ऊंचा रहने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने में आपको सफलता मिलेगी। माता पिता की सेवा करने का मौका प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे जिससे आप अपने आप को अच्छा और रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं 22 जनवरी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थै जै दे दो चा और ची से शुरू होता है उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी 22 जनवरी के बाद समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से पिछले 2 सालों से आप आर्थिक रूप से नुकसान देख रहे थे। धन की परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन अब 22 जनवरी के बाद जो अमृत सिद्धि राजयोग बनेगा ना, इससे आपका समय ही बदल जाएगा। भूमि भवन और वाहन तीन चीजों का आपको इसी साल 2024 में लाभ मिलेगा। जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी जिससे आप राहत महसूस करेंगे। घर पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और साथ ही आप अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती के मूड में कहीं पर भी घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय इतना अच्छा बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग की वजह से उस काम में आपको लाभ मिलेगा। साल 2024 में आप कोई भी स्वयं का नया मकान ले पाएंगे। रोजगार में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी। नौकरी में अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय उत्तम बना हुआ है। आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही आपका जो पारिवारिक जीवन है वो पहले की तुलना में सुखमय बना रहेगा। तो चलिए मित्रों, 22 जनवरी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।